त्याच्यावर अन्याय न करता म्हणून आमचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, त्यांना पोटदुखी उठलेली आहे की आम्ही करू शकलो नाही, परंतु हे करण्याचा प्रयत्न करतात आणि म्हणून आम्ही प्रामाणिकपणे आमचं सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में लगातार आप देख रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर के जिस ढंग से उतार चढ़ाव की वो राजनीति जो है देखने को मिल रही है, और इस बीच एकनाथ शिंदे को अपनी अगर सियासी ज़मीन बचाए रखनी है तो उन्हें जल्द से जल्द इसका कोई तोड़ इसका कोई हल निकालना ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस ढंग से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के जनता सड़कों पर निकल आई है, जनता लगातार इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि सरकार को इस पर तुरंत फैसला लेना ही पड़ेगा, वरना ये स्थिति और भी ज़्यादा नाजुक हो सकती है। दर्शकों, आप सोचिए कि महाराष्ट्र में अगर ये आग फैलती है तो इसका खामियाजा किस ढंग से पूरे महाराष्ट्रियन को चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि ये सरकार की नीति और नियत को लेकर के सवाल है। क्या ऐसे में एकनाथ शिंदे अपने सियासत को देखते हुए फैसला लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की परवाह नहीं करेंगे, या फिर वो गठबंधन का फर्ज निभाते नजर आएंगे? आइए इस तमाम मामले पर एक खास बयान एकनाथ शिंदे का सुनाते हैं। त्याच्यावर अन्याय न करता म्हणून आमचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे, त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, त्यांना पोटदुखी उठलेली आहे की आम्ही करू शकलो नाही, परंतु हे करण्याचा प्रयत्न करतात आणि म्हणून आम्ही प्रामाणिकपणे आमचं सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे। जिन्होंने मराठा समाज का आरक्षण गवाया है सुप्रीम कोर्ट में, जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, और मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांतिप्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है। और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है, अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है, जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं, और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे, इनकी एक कमेटी गठित की गई है, और जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी ये डेटा कलेक्ट करने के आदेश दिए हुए, ये वार फुटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, और मराठा समाज को आरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार सकारात्मक है, थोड़ा सा समय सबर की आवश्यकता है, और इसलिए मराठा समाज को भी मेरी विनती है, आह्वान है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका भी सहयोग आवश्यक है। इसमें जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो कुछ लोग आ रहे उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम ये सकल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। तो आपने सुना दर्शकों, वो अपील तो कर रहे हैं, वो लगातार आरक्षण की मांग का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन वो आरक्षण देने की वकालत नहीं कर रहे हैं, और सरकार के इसी नियत पर जनता को भरोसा नहीं हो रहा है। इसी नियत पर लगातार जनता अपने आक्रोश को जाहिर कर रही है। अब इसका हल कैसे निकलता है ये देखना होगा दर्शकों। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।